स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। तो आज हम आपको कराएंगे अपना स्टूडियो टूर। मैं ब्लॉग कैसे बनाता हूँ, किस पे एडिट करता हूँ, कैसे एडिट करता हूँ, तो बने रहिए वीडियो में। आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, पर वीडियो में आएगा बहुत ही ज़्यादा मज़ा। तो बने रहिए हमारी वीडियो में और देखिए वीडियो पूरा देखिए, वीडियो स्किप ना करें, जिससे आपको आपके जो भी मैं जानकारी दूँ वो कोई भी जानकारी आपसे रहना जाए। तो इसलिए आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और स्किप ना करें। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो मैं बोया का M1 माइक यूज़ करता हूँ। और नॉर्मली अगर आपको बोया का M1 माइक चाहिए है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं करता हूँ डिजिटेक का एक ट्राइपॉड, जो नॉर्मली 400 के अंडर में आ जाएगा, 400-500 के करीब। उसके बाद एक एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ। और उसके अलावा बात करूँ तो एडिट की, तो मैं ख़ास कोई बड़ा प्रोडक्ट तो यूज़ नहीं करता हूँ, जैसे कि PC, लैपटॉप, मैकबुक, ऐसा कुछ यूज़ नहीं करता हूँ। जैसे जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ एडिट में, वही एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करता हूँ। और उसमें कुछ एप्लीकेशंस होते हैं, वही एप्लीकेशन से एडिट करता हूँ। और बात करें हम तो समथिंग हमें बहुत ही कम समय अभी हुआ है और ख़ास ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, तो कोशिश ये रहेगा कि बहुत अच्छा कंटेंट डालूँ, आप लोगों को पसंद आए और थोड़ा हमारा फैंस फॉलोइंग बढ़ जाए। तो आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। तो दिखाते हैं अपना तब भी जो भी नॉर्मल का सेटअप है वो आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिए। तो बात कर रहा था मैं जो बोया का M1 माइक यूज करता हूँ, वो एक्चुअली ये देखो बोया का, ये जो आप देख रहे हैं बोया का M1, वो ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ। उसके अलावा ये आप देख रहे होंगे ये ट्राईपॉड यूज़ करता हूँ। उसके नॉर्मली इसी हिसाब से वीडियो वगैरह भी जो है आप एंड्रॉयड फ़ोन देख रहे हैं वो एंड्रॉयड फ़ोन से मैं वीडियो शूट करता हूँ और इसी से एडिट करता हूँ। और इसमें कोई भी खास ऐसा इशू नहीं है कि मतलब कोई स्पेशली चीज़ चाहिए होती है, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं इसी मोबाइल से एडिट करता हूँ और इसी से शूट करता हूँ। आप नॉर्मली अगर ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहें तो नॉर्मल सभी के पास स्मार्टफोन होते ही हैं, तो स्मार्टफोन यूज़ करते हैं। उसके अलावा जो पीछे आप PC शायद देख रहे हैं वो PC का नॉर्मली मैं अपने ब्लॉग से कोई कुछ भी उसका यूज़ नहीं होता है, नॉर्मली जो भी होता है मोबाइल से यूज़ होता है। और हाँ आगे देखो एक गेमिंग चैनल वगैरह जो बनाएंगे उसमें शायद PC वगैरह यूज़ होगा एडिट के लिए या PC गेम खेलने के लिए। अभी कोई भी ब्लॉगिंग में कोई भी कुछ ऐसा नहीं है कि जो मैं उसे यूज करता हूँ। तो बने रहिए वीडियो में और भी हम कुछ एडिटिंग के बारे में आपको बताते हैं और बात करते हैं अपनी एडिटिंग के बारे में। तो एडिटिंग में मैं इंसॉर्ट या कैनवा दो ऐप यूज़ करता हूँ, थंबनेल वगैरह के लिए और वीडियो एडिट के लिए, जो कि एंड्रॉयड में और PC में तो शायद नहीं चलता है, बट एंड्रॉयड में बहुत अच्छा से चलता है। आप बहुत ही फास्ट इंसॉर्ट में अगर चाहें तो बहुत अच्छी एडिटिंग आराम से कर सकते हैं। तो मैं तो ज़्यादा कुछ एडिट के लिए नॉर्मल में जो एडिट करता हूँ वो इंसॉर्ट में ही करता हूँ। तो इंसॉर्ट वैसे बहुत अच्छा ऐप है, मैं बहुत अच्छे से उसमें एडिटिंग कर पाता हूँ और बहुत फास्ट भी एडिटिंग कर लेता हूँ। तो आप भी अगर ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप हमसे सीनियर होंगे तो मैं आपको क्या ही सजेशन दूँ। बट अगर नया ब्लॉग स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इंसॉर्ट से एडिट कर सकते हैं, बहुत अच्छा एडिट होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, जिससे अगर वो ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहते हैं तो उन्हें काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो इसलिए आप अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। और आशा है आप लोग अपनी फैमिली का केयर करें, अपना केयर करें। वैसे भी मौसम ख़राब थोड़ा आएगा तो आप अपना
ज़्यादा ख्याल रखते हैं। थैंक यू वाचिंग।